गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एसे ऑफ स्टडीज एंड दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट ऑल्सो। तो लेट इस स्टार्ट फ्रेंड्स। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। Their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse। यानी कि जो स्टडीज़ है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, वो हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, वो आनंद प्रदान करती है हमें, एक तरह से हमें उस सजावट का काम करती है, सुसज्जित करती है, यानी कि हमारे लिए ज्वेलरी का काम भी करती है। एंड फॉर एबिलिटी, वो हमारी योग्यता को भी बढ़ाती है। दियर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, अगर हम डिलाइट के लिए बात करें कि डिलाइट हमारे लिए कैसे पैदा करती है, वो हमें कैसे आनंद देती है, आनंद की अनुभूति होती है, इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। तो ये एक प्राइवेटनेस, यानी कि जब हम अकेले होते हैं, हम एक तरह से रिटायर हो चुके होते हैं, तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, उस समय हम किताबों को पढ़ सकते हैं, तो उससे हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, वही इसका चीफ यूज़ है डिलाइट के लिए, यानी कि मुख्य उसका प्रयोग है। फॉर ऑर्नामेंट इज़ इन डिस्कोर्स, और जो ये हमारे लिए ज्वेलरी का काम करती है, यानी कि हमारे लिए सजाने का काम करती है, सुसज्जित करने का काम करती है, जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हम उसमें अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, और वो शब्द हमारी भाषा को अलंकृत करते हैं, एक तरह से उसे सजावट प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। और अगर हम बात करते हैं कि एबिलिटी हम कहाँ पर ये शो करती है, कहाँ पर हमारी एबिलिटी को बढ़ाती है, तो वहाँ पर होती है कि जब हम बिजनेस के बारे में कोई बिजनेस का कोई प्रबंध करते हैं, तो और उसको जज करते हैं कि ये सही है या गलत है, तो उस समय पर ये हमारी एबिलिटी को शो करती है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन, और एक एक करके जो विशेष बातें होती हैं उनको जज करते हैं, यानी कि उनको देखते हैं कि ये सही रहेगा या गलत रहेगा। बट द जनरल यूज़, जनरल काउंसिल्स and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। लेकिन जो सामान्य परामर्श होते हैं और जो योजनाएं होती हैं, वो आती है हमारे कार्यों के व्यवस्थित करने से। जो हमारे बिजनेस के कार्य होते हैं, उनको अगर हम व्यवस्थित करते हैं, तभी हम ये कर सकते हैं। कम बेस्ट फ्रॉम दोज आर लर्न्ड, और ये सब बातें किससे आती है, जो अच्छी तरह से विद्वान लोग होते हैं, यानी कि जो अपनी एबिलिटी को उस समय बढ़ा चुके होते हैं, वो किताब बुक्स को पढ़ पढ़ करके वो इतना एक्सपर्ट हो चुके होते हैं और इन सब बातों के बारे में अच्छे से वो जानते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, और अगर हम ज़्यादा समय अपनी स्टडीज़ में लगाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो उसको हम कहेंगे निष्क्रियता या ढिलाई। टू यूज़ them too much for ornament, और अगर हम उसको सुसज्जित करने के लिए अपने आप को इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, is affectation, यानी कि ये जो होती है, ये हमारी दिखावट होती है, हम दिखावा करना चाहते हैं, तब हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ornament में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो natural words अपने आप हमारे मुख से निकल जाते हैं बात करते समय, तो वो तो सुसज्जित करने का काम करते हैं, लेकिन हम जानबूझ करके कुछ टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, तो वो एक तरह से दिखावा हो जाता है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, और अगर हम जजमेंट करते हैं होली, यानी कि पूर्ण रूप से देयर रूल्स, अगर हम बुक्स के पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं और उनको दिखाते हैं कि भाई इस तरह से हम बुक्स को इस तरह से लैंग्वेज में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक विद्वान का मजाक उड़ जाता है,
यानी कि उसको हम विद्वान नहीं कह सकते हैं, हालांकि उसे नॉलेज बहुत होती है, बुकिश नॉलेज, लेकिन दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल नॉलेज। द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। फोर नेचुरल एबिलिटीज आर नेचुरल प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कि द परफेक्ट नेचर, यानी कि वो एक तरह से हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव को परफेक्ट करती है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और खुद यानी कि उनको परफेक्ट किया जा सकता है अनुभव से। हमें धीरे धीरे इस बात का अनुभव होता है। स्टार्टिंग में हम शुरू में हम केवल उसे दिखावे के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव बिकम अ स्कॉलर बाय लर्निंग ऑल द थिंग्स रिटन इन द बुक्स एंड यू आर यूजिंग दैम एट द प्रॉपर टाइम, देन यू आर कॉल्ड एज ए स्कॉलर। यानी कि फिर आपको एक स्कॉलर कहा जा सकता है अगर आप उनको प्रॉपर टाइम पे यूज़ करते हो। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। यानी कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ आती है आदमी के अंदर, वो इस तरह से होती है जिस तरह से नेचुरल प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, दैट नीड प्रोनिंग बाई स्टडी। और ये क्या होता है कि ये हमारी पढ़ाई से यानी कि स्टडी से लगातार हम स्टडी करते रहें तो उससे ये निखार की आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत होती है कि उसमें उससे पढ़ाई से निखार आए। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। और जो स्टडीज़ होती है वो अपने आप में ऐसी इतनी सक्षम होती है कि वो हम लोगों को बड़ी मात्रा में डायरेक्शन दे देती है, दिशा दे देती है। एक्सेप्ट दी बी बाउंडेड बाई इन एक्सपीरियंस। बस केवल एक शर्त यहाँ पर है कि अनुभव होना चाहिए, यानी कि वो अनुभवों से परिसीमित होती है, अनुभवों से बंधी होती है। क्राफ्टी मैन कंडमन स्टडीज। जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी मैन का मतलब यहाँ पे जो चालाक लोग होते हैं, कंडमन स्टडीज, वो स्टडीज़ की बुक्स की निंदा करते हैं। सिंपल मैन एडमायर दैम, और सिंपल जो साधारण आदमी होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके आगे हम कुछ भी किसी भी बुक्स के बारे में बता देते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइस मैन यूज दैम, और जो वाइस मैन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि उन्हें उसके अपने जो प्रयोग है उसका नहीं पता होता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो अपने प्रयोग को कभी नहीं बताती है कि हमारा प्रयोग किस तरह से करना है। तो ये कहाँ से आता है? ये विद्वान से आता है, जब हमारे हमें खुद एबिलिटी होती है उसे पढ़ने की, तब ये आता है। वन बाय ऑब्जर्वेशन, और ये चीज़ आती है अवलोकन से, जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो देखने के बाद ये सब चीज़ें आती हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल हमें पढ़ना नहीं चाहिए केवल कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, यानी कि विभेद करने के लिए, विरोध करने के लिए, या किसी बात का खंडन करने के लिए, या प्रतिवाद करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट से मतलब है यहाँ पे विरोध से करने, और कन्फ्यूट करने के लिए यानी कि झूठ ठहराने के लिए। कई बार हम बुक्स का सहारा लेते हैं, किताब का सहारा लेते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं कि उसमें ये चीज़ लिखी है, इस चीज़ का ये खंडन होता है, ये झूठ है, ऐसे, तो इस तरह से हम जब करते हैं तो उस चीज़ के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और न ही विश्वास करने के लिए कि भाई ज़बरदस्ती हम थोप रहे हैं तुम्हारे ऊपर, विश्वास करो इस बात पर, तो इसलिए भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ऐसे भी नहीं है कि हमें उनको महत्व ना समझ करके उसे छोड़ देना चाहिए कि महत्वहीन चीज़ें हैं, छोड़ो चलो। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कस, और न ही हमें केवल बात करने के लिए, हमारा उद्देश्य है कि हमने बात करनी है इसलिए उसे पढ़ना है, एंड डिस्कोर्स या बातचीत में अपनी वार्तालाप में उसको प्रयोग करना है, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि हमें केवल तोलने के लिए और मनन करने के लिए, विचार करने के लिए, यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं उस पर हम मनन भी करें, विचार भी करें, किसी चीज़ के बारे में एकदम से हम डिसीजन ना लें। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अब ये बताया गया कि कुछ किताबें कैसी होती हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स जो होती हैं वो केवल टेस्ट करने के लिए होती हैं, चखने के लिए होती हैं। अदर्स टू बी स्वेलोड, और कुछ निगलने के लिए होती हैं।
एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और उनमें से कुछ जो होती हैं वो चबाने के लिए होती है और पचाने के लिए होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, बुक्स को चबाया और पचाया थोड़ा ही जा सकता है। बट दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि जिसको हम बुक्स को टेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर टेस्ट लिखा गया है बुक्स के लिए, तो उसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ बुक्स पार्ट्स में पढ़नी चाहिए, थोड़े थोड़े भाग में पढ़नी चाहिए। अदर्स टू बी रेड, दूसरी पढ़नी चाहिए बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन जिज्ञासावश नहीं कि हाँ भाई हमें पढ़नी है, बस पढ़ लेनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये जो होती हैं स्वेलो करने के लिए होती हैं, निकलने के लिए होती हैं, फटाफट पढ़ा और काम ख़त्म। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ किताबें जो होती हैं वो कम्प्लीटली पढ़ने के लिए होती हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, ध्यान से परिश्रम से पढ़ना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्टी, कुछ किताबें जो होती हैं वो डिप्टी के द्वारा भी पढ़ी जा सकती हैं। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ दैम बाई अदर्स, और दूसरों के द्वारा उनके जो निचोड़ है या सार है वो बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट, लेकिन ये कि जो आर्गूमेंट का मुद्दा नहीं है, ये कम आर्गूमेंट का मुद्दा है कि कौन क्या पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बस सपोज़ करो हम जो है कोई लायर पढ़ रहा है किताब तो हम भी वही पढ़ें, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज़ इन विच यू हैव इंटरेस्ट, या किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब जैसे एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और कुछ जो किताबें होती हैं वो बहुत ही हल्की किताबें होती हैं, मीनर का मतलब यहाँ से है बहुत ही तुच्छ किताबें होती हैं। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, इसके अलावा जो किताबें होती हैं, जो शुद्ध किताबें होती हैं, वो ठीक इसी तरह से होती हैं जैसे बिल्कुल शुद्ध वाटर होता है, पानी होता है। अब शुद्ध पानी आप जानते हो कि कैसा होता है, डिस्टिल्ड वाटर से मतलब है फ्लैशी थिंग्स, बिल्कुल चमकदार चीज़ें। रीडिंग मेकेथ ए फुल मैन, रीडिंग से एक कंप्लीट व्यक्ति बनता है, मतलब उसे पूर्ण नॉलेज हो जाती है। कन्फ्रेंस ए रेडी मैन, और जो वार्तालाप होती है, विचार विमर्श होता है, वो एक तैयार आदमी बना देती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जब वो लिखना शुरू कर देता है, देन ही बिकम्स कंप्लीट और एग्जैक्ट मैन, यानी कि वो एक तरह से पूर्ण व्यक्ति बन जाता है जो लिखना शुरू कर देता है। अर्थात जो हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको लिखें या मन करता है कि लिखें, लिखना अगर हम सीख जाते हैं तो हमारी नॉलेज जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, इफ़ ए मैन राइट लिटिल, अगर एक आदमी थोड़ा सा भी लिखता है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो लिखेगा कब, जब उसकी बहुत ज़्यादा यादगार होगी, यानी कि उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी तभी वो लिख पाएगा, अदरवाइज नहीं लिख पाएगा, भूल जाएगा। इफ़ ही कन्फर्स लिटिल, अगर वो थोड़ा सा भी सप्लाई करता है, दूसरों को देता है, ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसके पास एक प्रेजेंट विट यानी कि तुरंत बुद्धि होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तुरंत बुद्धि जिसके पास होगी वही दूसरों को कन्फर कर पाएगा, यानी कि जो हमने पढ़ा है वो हम दूसरों को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बुद्धि है। एंड इफ़ ही रीड्स लिटिल, और अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे बहुत ही ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ता है। चालाक किस मायने में होना पड़ेगा कि उसने पढ़ लिया और फटाफट उसको ग्रैब भी कर लिया, कैप्चर भी कर लिया, तो इसका मतलब वो चालाक है, वो चीज़ों को यूज़ को जानता है कि चीज़ों के यूज़ को कैसे करना है। टू सीम टू नो दैट ही डोथ नॉट, लगता है कि जैसे वो कुछ जानता नहीं है, कुछ उसने पढ़ा ही नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, वो ये भी शो करता है, बस वो अपने उसे प्रैक्टिकली बिहेवियर में ले आता है, तो लोगों को लगता है कि इसके पास बहुत नॉलेज है। एंड दे ऑल्सो डोंट थिंक दैट कि इसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज,
अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वो हमें वाइस बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। पोएट्स विट्टी, अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं तो पोइट्री जो है हमें वो चतुर बना देती है। द मैथमेटिक्स सबटल, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो हमें सूक्ष्म बना देती है, हम बारीक से बारीक चीज़ों पर जो है अध्ययन कर सकते हैं। नेचुरल फिलॉसफी डीप मॉरल ग्रेव, और जो नेचुरल फिलॉसफी होती है वो हमें गंभीर बना देती है, नैतिक बना देती है। और अगर हम लॉजिक और रिटोरिक पढ़ते हैं, लॉजिक का मतलब होता है अगर हम तर्क वितर्क पढ़ते हैं किसी के, और रिटोरिक रिटोरिक का मतलब होता है अलंकार जैसे लैंग्वेज जो होती है, सुसज्जित लैंग्वेज होती है। एबल टू कंटेंड एबियंट स्टडीज इन मोरोस, यानी कि वो हमें इस तरह से अगर हम लॉजिक करते हैं और हम लैंग्वेज को एक तरह से अलंकृत करते हैं तो तब ये हमारे जीवन में पास हो जाती है, यानी कि स्टडीज़ पास इनटू आवर कैरेक्टर, यानी कि ये हमारे चरित्र में उतर जाती है, अर्थात हम इसका प्रयोग करने लगते हैं अपने चरित्र, हमारा चरित्र इसी प्रकार का हो जाता है। नी देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, नहीं हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग के लिए या हमारे ज्ञान के लिए कोई भी बाधा नहीं है। बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई दोष भी है तो वो दोष दूर हो सकता है जब हम उचित पढ़ाई करते हैं। लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जिस तरह से कि जो डिसीज होती है हमारे बॉडी की, बीमारियां होती हैं, मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, अगर हम अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करते हैं, उचित एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी बॉडी की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनते रहिए, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, यानी कि जो बॉलिंग होती है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है कि जो बॉलिंग होती है वो क्या करती है हमारे लिए। अब बॉलिंग हमारे जो गुर्दे होते हैं उसको फिट कर देती है, बिल्कुल उसको एकदम से रेडी कर देती है और हमें स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्टोन का मतलब यहाँ पे स्टोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम बॉलिंग कर सकते हैं। और रेंज का मतलब यहाँ पे गुर्दा से है, वो हमारे गुर्दा के लिए बहुत सही होती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और जो शूटिंग होती है जब हम शूटिंग करते हैं, शूटिंग का मतलब होता है तीरंदाजी, जब हम तीरंदाजी करते हैं वो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी छाती के लिए बहुत अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और जो हल्की वॉक होती है, जेंटल वॉक होती है, आराम से हम चल रहे होते हैं तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड, और जो राइडिंग होती है यानी कि घुड़सवारी होती है, वो हमारे हेड के लिए सही होती है, सिर के लिए सही होती है, एंड द लाइक, और ठीक इसी तरह से दूसरे पार्ट्स के लिए कई सारी एक्सरसाइज होती है। सो इफ़ ए मैंस विट बी वॉन्डरिंग, अगर एक आदमी का जो विट है, दिमाग है, वो कहीं भटक जाता है, लेट हीम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स? क्योंकि मैथमेटिक्स सबटल होता है, सूक्ष्म चीज़ों पर जो है जोर देता है, तो उसका दिमाग भटकेगा नहीं। मैथमेटिक्स जैसे वो सोल्व करता चला जाएगा उसका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक तरह से प्रयोगशाला का काम करता है, प्रयोग करता है। इफ़ हिज विट बी कोल्ड अवे नेवर सो लिटिल, और अगर थोड़ा सा भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी जो दिमाग है फिर भी भटकता रहता है, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। इफ़ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश, और अगर उसकी जो बुद्धि है वो भेद करने के योग्य नहीं है, यानी कि किसी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है और फाइन डिफरेंसेस या कोई अंतर नहीं बता सकती है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसे स्कूल मैन के बारे में पढ़ना चाहिए, टीचर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, टीचर्स के लेख को पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, क्योंकि वे जो होते हैं सिमिनी सेक्टर्स होते हैं, जो टीचर जो होते हैं वो सिमिनी सेक्टर्स से मेरा मतलब है यहाँ पे हेयर स्प्लिटर्स होते हैं, यानी कि बाल की खाल खींचने वाले होते हैं, यानी कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, तो दैट्स वाई दे मस्ट स्टडी अबाउट द टीचर्स,
और स्कूलमैन। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर वो मामलों को नहीं सुलझा सकते हैं। एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव और एंड इलस्ट्रेट अनदर, और अगर वो किसी एक चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाते हैं और दूसरी चीज़ को इलस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब इलस्ट्रेट का मतलब वहाँ पे वर्णन नहीं कर पाते हैं। लेट हिम स्टडी द लायर्स केस, तो उसे लायर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। तो लायर्स के केस ऐसे होते हैं कि दूसरी चीज़ों को इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं और उनको प्रूव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा वो डिस्कस करते हैं, अगर कोई झूठ भी है तो उसे भी प्रूव कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को स्टडीज़ करनी चाहिए लायर्स के केसेस की। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे बी हैव ए स्पेशल रिसेप्ट, अगर हमारे दिमाग के अंदर कोई भी एक तरह से डिफेक्ट है तो उसके लिए एक स्पेशल इलाज भी है, यानी कि स्पेशल काइंड ऑफ बुक्स आर देयर। तो दैट्स वाई वी मस्ट रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस, और अगर आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।